हेलो गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिशन दुनिया में धमन। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, और आप नए आ गए हैं या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाले हैं, और जो कन्फर्म न्यूज होगी वो मैं कन्फर्म बताऊंगा, जो अभी ऑफिशियली कन्फर्म होना बाकी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है और जो बातें निकल कर सामने आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहो इस वीडियो के साथ और अपना प्यार इस तरह देते रहो। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों यार, कि शेयर करना आप लोग भूल जाते हो यार, वीडियो जरूर शेयर करो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो पहली बात हम करते हैं दोस्तों, फॉन्ट। पहले भी मैंने ये बात को क्लियर किया, और कमेंट्स में कई सारे क्वेश्चन आते हैं कौन से फॉन्ट पे एग्जाम होगी। तो सिंगल और लास्ट आंसर दोस्तों, कृतिदेव 010। जी हाँ दोस्तों, कृतिदेव 010 पे ही एग्जाम होगा आपका, चाहे वो कोई भी आपका या तो एग्जामिनेशन हुआ था जो आपका थ्योरेटिकल उसमें भी होगा, चाहे वो प्रैक्टिकल जो आने वाली टाइपिंग टेस्ट होगी उसमें भी होगा। तो ये बात क्लियर है। सेकंड, बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, क्या वो देखकर नोटपैड वगैरह लिखना होगा, क्या सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जैसा कि ये अनुमान लगाया जा रहा है और जैसा कि अंदर से बातें निकल कर आ रही हैं और हाल ही के एग्जाम में लिया गया, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर वाइज होने की संभावना है, बाकी तो आप अपनी तैयारी करते रहो जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि प्रिपरेशन आपको अल्टीमेटली आपको वहां पर ध्यान देना है कि एरर जो है दोस्तों वो 2% में से वो कितने परसेंट जैसी मांग रही है, मैंने पहले ही बताया है, और जो मेरे लेसन चल रहे हैं अकेडमी से मैंने डिटेल में इस पर बात किया है। तो 2% एरर जो आपको है उस पर आपको फोकस रखना है कि आप सेलेक्ट हो और डिस्क्वालीफाई ना हो जाओ कहीं। तो एरर पे आप अच्छे से ध्यान दो, उस पर काम करो, और सॉफ्टवेयर बेस्ड होने की पूरी संभावना है। जहां तक मैं बात करूं, एक बंदे हमारे अनुज कुमार जो कि रामगढ़ से, और जो भी और भी बंदे मिलने गए हुए थे जेसीसी कंट्रोलर और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से, तो वहां भी उन्हें ये बताया गया, और आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर उनका मैसेज जिसमें उन्होंने साफ बताया कि जब उनकी उन्होंने ये प्रश्न जेसीसी से पूछा तो उनको रिप्लाई मिला कि कृतिदेव में होगा, और साथ में ये जो एग्जामिनेशन है दोस्तों वो पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर बेस्ड लेने जाने की पूरी संभावना है। अब यह बात उठती है दोस्तों, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है हमारे पास, जब तक जेसीसी की नोटिस नहीं आती है कि कौन से सॉफ्टवेयर पे होगा, क्या प्रोसेस होगा, तब तक हम इसे 100% कंफर्म नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, जो न्यूज निकल के आई, मेरा काम है दोस्तों आपको बताना। तीसरी सबसे जरूरी बात दोस्तों, क्या अगर आपने जैसे कि पंचायत सचिव के पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो क्या आपको भी टाइपिंग करनी होगी? ये क्वेश्चन मेरे को लगता है हर दूसरा कमेंट में ये रहता है। नहीं दोस्तों, अगर आपने टाइपिंग पोस्ट और पंचायत सचिव दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप दोनों की तैयारी करो। अगर आपने सिर्फ पंचायत सचिव के लिए अप्लाई किया यार, तो आप अपने कंप्यूटर टेस्ट पावर पॉइंट और जो भी है उस पर ध्यान दो, और अगर आपने टाइपिंग के लिए किया तो टाइपिंग पे ध्यान दो। ये सिंपल सी बात है, तो आप समझ गए होगे ऐसा करता हूं। अब चौथी सबसे जरूरी बात दोस्तों, जिनको भी टाइपिंग के कोर्सेज की जानकारी चाहिए थी और जिनको भी मालूम था, तो मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया अकेडमी पे। कारण है उसका दो दोस्तों, क्योंकि ये वहां पे मैं डिफरेंट पीडीएफ्स और जो मैं नोट्स बनाता हूं उसे अटैच करके एक वीडियो के फॉर्म में बना सकते हैं, बाद में आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वहां पे जो भी मार्कर, डीप मार्कर, स्केल सब कुछ ये यूज कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से थ्योरेटिकल वीडियोस वहां पे आ रही हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल बिल्कुल यहाँ यूट्यूब पे आएंगी। तो अगर आपने नहीं फॉलो किया अकेडमी पे, तो आगे का मैं बता रहा हूँ प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसेस है, 3 स्टेप में आप देख लो। कुछ नहीं करना है आपको, ऐप डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप चले जाओ गूगल प्ले स्टोर में, वहां टाइप करेंगे हम लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जी हाँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। इसके बाद क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद सीधे ओपन करना है और साइन अप कर लो आप, चाहे फेसबुक से, ईमेल आईडी से, कैसे भी, बस काम खत्म। तीसरा और प्रोसेस स्टेप जो है वो कुछ भी हो सकता है, या तो आप वीडियो के नीचे जो लिंक है मेरा अनअकैडमी का उस पर क्लिक करो डायरेक्ट चले जाओ, या तो आप सिर्फ और सिर्फ सर्च बार में जेएसएससी लिख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जेएसएससी आप लिखो, सबसे पहले वीडियो हमारा आएगा, वहां लिखा रहेगा जेएसएससी हिंदी कंप्यूटर एंड टाइपिंग कोर्स, ठीक है, क्लिक करो और आप देखो 7 चैप्टर आ चुके हैं दोस्तों। चैप्टर वाइज बताया हूं, जैसे कि बुक्स वगैरह में होता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वो जाकर के आप देख लो आपकी टाइपिंग की प्रॉब्लम और जो कंप्यूटर टेस्ट की है जो बेसिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आशा करता हूं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए कट ऑफ वगैरह की, तो आप हमारे वेबसाइट ntexamresults.com पर भी जा सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।